भूखे रहकर अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में बिताई पहली रात। सूत्रों के मुताबिक जेल अधिकारियों के बार बार कहने के बावजूद केजरीवाल ने नहीं खाया खाना। केजरीवाल के खाना न खाने की वजह का पता नहीं। तिहाड़ जेल में आज केजरीवाल का दूसरा दिन, 23 मई तक रहेंगे जेल में। तिहाड़ जेल के बाहर पुलिस से भिड़े आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। इलाका साफ कराने में पुलिस को करना पड़ा बल प्रयोग। पुलिस के आदेश को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता करते रहे दरकिनार। तिहाड़ के सामने की जगह खाली करने को नहीं थे तैयार। आप प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने की सख्ती। घसीट कर निकाले गए कई नेता। पुलिस अब बल प्रयोग करने लगी। प्रदर्शन में शामिल थे योगेंद्र यादव, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े नेता। पुलिस कार्रवाई पर जताई नाराजगी। आप देखिए, ये पुलिस है इस देश की। जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं उनके साथ ये व्यवहार होता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। संजय सिंह ने पुलिस की कार्रवाई को बताया गुंडागर्दी। कहा कार्यकर्ता पीटे गए, महिला वर्करों से हुई बदसलूकी। तिहाड़ जेल के सेल नंबर 4 के विपासना वार्ड में रखे गए केजरीवाल। 2011 में यहीं रखे गए थे अन्ना हजारे। विपासना वार्ड में आमतौर पर सामान्य कैदियों को नहीं रखा जाता, सुरक्षा वजहों से यहां रखे गए हैं केजरीवाल। शाम में केजरीवाल के लिए दवाई लेकर पहुंची उनकी पत्नी, लेकिन नहीं हो पाई केजरीवाल से मुलाकात। कोई बात नहीं हो पाई, दवाई देने गए थे हम लोग, दवाई देके आ गए। अन्ना हजारे को पसंद नहीं आई केजरीवाल की तिहाड़ यात्रा। जेल जाने को बताया गलत कदम। अन्ना ने कहा शुरू से गलत कदम उठाते रहे केजरीवाल, इसलिए उन्होंने अलग कर लिया रास्ता। केजरीवाल के कदम को कांग्रेस बीजेपी ने भी बताया स्टंट। कहा राजनीति की खोई जमीन पाने के लिए कर रहे हैं स्टंट। केजरीवाल के जेल जाने पर बोले शकील अहमद। कहा मीडिया से मुंह छुपाने के लिए जेल गए केजरीवाल। नितिन गडकरी के आपराधिक मानहानि केस में तिहाड़ जेल गए अरविंद केजरीवाल। 10,000 का मुचलका भरने से किया था इनकार। जिस प्रकार से साधारण व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत बेल बॉन्ड देता है, बेल बॉन्ड देंगे, पर्सनल बॉन्ड देंगे 10,000 की ट्यून का, लेकिन केजरीवाल जी ने पहले हाँ करते हुए फिर इनकार कर दिया और उनकी इनकारी पर जो होता है कानूनी प्रक्रिया में उनको अरेस्ट कर दिया गया कोर्ट ही में और यहीं से उनको जुडिशियल कस्टडी में ले जाया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ NIA को बड़ी कामयाबी। झारखंड से पकड़े गए 4 आतंकवादी, आज दिल्ली लाए जा सकते हैं चारों आतंकी। प्रतिबंधित संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े हैं चारों आतंकी, पटना ब्लास्ट केस में हुई गिरफ्तारी। डाल्टनगंज स्थित बारालोटा के लॉज से पकड़े गए 2 आतंकी, एक का नाम नुमान अंसारी, दूसरा नाबालिग। 15 दिन से वहां नाम बदलकर छात्र के रूप में रह रहे थे दोनों आतंकी, दोनों का ताल्लुक इंडियन मुजाहिदीन से। 2 अन्य आतंकियों की गिरफ्तारी हुई रांची से, इनमें शामिल है मास्टरमाइंड हैदर अली उर्फ अब्दुल्ला उर्फ मुजीबुल्ला। साजिश का मास्टरमाइंड है हैदर अली, उस पर रखा गया था 10,00,000 का इनाम। समस्तीपुर का रहने वाला है हैदर उर्फ ब्लैक ब्यूटी। हमारे हिसाब से काफी बड़ी कामयाबी मिली है, स्पेशली हैदर अली को मिली है ब्लैक ब्यूटी को पकड़ के, क्योंकि वो मेन सरगना था इनका। NIA का दावा, मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे इन आतंकियों के निशाने पर। मोदी को निशाना बनाने के लिए इन आतंकियों ने अकबरपुर, कानपुर, दिल्ली और पटना में की थी रेकी, लेकिन सुरक्षा की वजह से नहीं हो पाए कामयाब। की मिली भगत तो मोदी जी को हम करने की थी, इन्होंने पहले भी रेकी की थी कुछ जगह जाके, पटना ब्लास्ट से पहले की रैली जहाँ जहाँ हुई थी इन्होंने रेकी की थी, बट इनको लगा कि उनकी सुरक्षा इतनी ज्यादा है कि उनको हानि नहीं पहुँचा सकते, इसीलिए उन्होंने पटना सील ब्लास्ट प्लान किया। आज गुजरात के CM पद की शपथ लेंगी आनंदीबेन पटेल, कल विधायक दल की बैठक में चुनी गई मोदी के उत्तराधिकारी।
मोदी की करीबी मानी जाती हैं आनंदीबेन, आज 12:39 पर होगा शपथ ग्रहण। मोदी ने कहा पहली बार गुजरात में बनी है महिला मुख्यमंत्री, शपथ ग्रहण में मोदी के अलावा आडवाणी भी रहेंगे मौजूद। शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने रखा आनंदीबेन पटेल के नाम का प्रस्ताव, आनंदीबेन के नाम के प्रस्ताव का अमित शाह ने किया समर्थन। इससे पहले कल नरेंद्र मोदी राज्यपाल कमला बेनीवाल को उन्होंने सौंपा त्यागपत्र, विधानसभा के विशेष सत्र में दिया भावुक विदाई भाषण। आज इस्तीफा दे सकते हैं असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। गोगोई ने लिए असम में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी, 14 में से सिर्फ 3 सीट जीत पाई थी कांग्रेस। अमेठी की जनता का राहुल गांधी ने किया शुक्रिया, चुनाव के बाद बहन प्रियंका के साथ पहली बार अमेठी गए थे राहुल। गौरीगंज में कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल ने किया कार्यकर्ताओं को संबोधित, कहा ये वक्त संघर्ष का है। प्रियंका जी, राहुल जी ने धन्यवाद दिया कि इस विपरीत परिस्थिति में भी आप लोगों ने जिस तरह हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद है, और आप संघर्ष आप जारी रखें, जनता के बीच में आप लोग रहें और हम भी आपके साथ। चुनाव के बाद पहली बार नीतीश कुमार ने दी नरेंद्र मोदी को बधाई, फेसबुक पर लिखा वो जनादेश का सम्मान करते हैं, नरेंद्र मोदी को बधाई देते हैं। बधाई के बाद नीतीश ने मोदी पर कसा व्यंग, फेसबुक पर लिखा मैं कभी जनादेश पाने के लिए झूठ नहीं बोलता और ना ही मार्केटिंग का सहारा लेता। मैनपुरी लोकसभा सीट छोड़ सकते हैं मुलायम सिंह यादव, लेकिन कौन होगा एसपी उम्मीदवार इसका खुलासा नहीं। लखनऊ में मुलायम ने की लोकसभा में पार्टी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा, जिलाध्यक्षों महासचिवों के अलावा मैनपुरी के पदाधिकारी भी हुए शामिल। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पर बोले एनसीपी नेता छगन भुजबल, कहा जीत हार लगी रहती है। भूकंप से दहला दिल्ली एनसीआर, कल रात 9:52 पर आया था 6 तीव्रता का भूकंप। 6 आकी गई भूकंप की तीव्रता, कटक के पारादीपगढ़ में समुद्र में 10 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है केंद्र। अजीब एक वाइब्रेशन जैसा फील हुआ, ऐसे लग रहा कि कुछ हल रहा है, तो मैंने अपनी कजिन को बोला कि कुछ फीलिंग हो रहा है, उसने भी बोला हाँ कि उसका भी सर चकरा रहा है। टीवी देख रहे थे, देखते थे हटा, अचानक देख रहा हूँ कि सब बोतल का पानी हिल रहा है, सामान हिल रहा है, फिर भी दौड़ के बाहर निकला, बाहर निकल के देखता हूँ चारों तरफ आदमी घर से बाहर निकल। किन्नौर में चट्टान खिसकने से तबाही, एक शख्स की मौत, सेब के बागान को भारी नुकसान। दिल्ली में सामने आई सड़क हादसे की सनसनीखेज तस्वीर, अपनी लेन में वॉक कर रहे एक शख्स को कार ने कुचला, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। पांच मई सुबह 5:30 की है सीसीटीवी तस्वीर, दिल्ली यमुना विहार के सी ब्लॉक में हुआ था हादसा। टक्कर लगने से दूर तक घिसता चला गया पीड़ित युवक को गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराकर भागे टक्कर मारने वाले, पुलिस अब तक नहीं कर पाई गिरफ्तार। लुधियाना के ऋषिनगर में अवैध निर्माण गिराने गई पुलिस पर लोगों ने किया पथराव, जवाब में पुलिस ने किया लाठीचार्ज, घरों से निकालकर लोगों को पीटा। फिल्म निर्देशक और अभिनेता सतीश कौशिक के घर चोरी की गुत्थी सुलझी, नौकर ने दिया था चोरी को अंजाम, गिरफ्तारी के बाद कबूला जुर्म। नौकर के पास से पुलिस को मिले करीब 1,20,00,000 कैश और 30,000 रुपए के कपड़े और मोबाइल, पुलिस ने एक होटल से पकड़ा नौकर को। दिल्ली के पीतमपुरा में आपसी रंजिश में चले चाकू, दो लोगों की मौत, मामला दर्ज कर पुलिस ने शुरू की 3 आरोपियों की तलाश। लिफ्ट देने के बहाने लोगों को लूटने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस ने किया पर्दाफाश, 3 बदमाश गिरफ्तार। ये गिरोह खुद को गैंग्स ऑफ ताहिरपुर कहता था, गिरोह के पास से 2 कारों के अलावा लाखों का सामान बरामद।
दिल्ली के तिलक विहार इलाके में मां बेटी की चाकुओं से गोदकर हत्या, पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर हुई वारदात। हमले में महिला का 18 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल, हमले के मकसद का अब तक खुलासा नहीं, परिजनों ने किया किसी भी रंजिश से इनकार। सरहद पर चकादा बाग में भारत और पाकिस्तान के कारोबारियों के बीच आपसी व्यापार पर बातचीत, 14 महीने बाद हुई दोनों खेमे में बात। पुंछ में आतंकी मुख्तियार अहमद ने बीवी और 7 बच्चों के साथ सुरनकोट पुलिस के सामने किया सरेंडर, 2001 में पाकिस्तान में ली थी आतंकी ट्रेनिंग। गाजियाबाद के मुरादनगर में गंग नहर के पास 2 शव मिलने से सनसनी, अनजान युवती का शव बोरी में बंद मिला, वहीं पास में मिली एक युवक की लाश। अपने घरेलू मैदान मोहाली में हार गई किंग्स इलेवन पंजाब, मुंबई इंडियंस ने दी 7 विकेट से मात। मुंबई की जीत में ओपनर लिंडल सिमंस का शानदार शतक, 61 गेंदों में खेली 100 रनों की नाबाद पारी। नहीं चल पाए पंजाब के धुरंधर बल्लेबाज, कप्तान जॉर्ज बेली ने खेली 39 रनों की सर्वोच्च पारी। अंक तालिका में किंग्स इलेवन पंजाब अब भी टॉप पर, मुंबई 5वें नंबर पर। सुप्रीम कोर्ट में आज हो सकती है एन श्रीनिवासन की अर्जी पर सुनवाई, श्रीनिवासन ने की बीसीसीआई अध्यक्ष की कुर्सी दोबारा देने की मांग। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने देवड़ी मंदिर में की मां की पूजा अर्चना, करीब घंटे भर आईपीएल टीम की जीत के लिए की प्रार्थना। धोनी के आने की खबर पाकर मंदिर के बाहर जुटे फैंस, धोनी ने खिंचवाई प्रशंसकों के साथ तस्वीरें। चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस के जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए सचिन तेंदुलकर, लोगों को दी ट्रैफिक नियमों के पालन करने की नसीहत। ऑलवेज हेलमेट का इस्तेमाल करें, स्पीड लिमिट भी ध्यान रखें, और सबसे ज्यादा जरूरी है जो मैं समझता हूँ सिग्नल्स को ओबे करें, रेड लाइट अगर रहे तो ट्रैफिक पे जरूर रुकें। वर्ल्ड कप हॉकी के लिए हॉलैंड रवाना हुई भारतीय टीम, 31 मई को बेल्जियम के खिलाफ अभियान का आगाज करेगी टीम इंडिया। एमडीएमके नेता वाइको की मोदी से अपील, शपथ ग्रहण समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे को ना आने दें। मोदी के शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को न्योता भेजने पर पाकिस्तान में खुशी की लहर, आम लोगों की राय, नवाज कबूल करें न्योता। इनविटेशन दिया है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतर स्टेप है। नवाज शरीफ साहब ऐसे डायलॉग के आदि हैं, डायलॉग्स में बात करते हैं, इनको वहाँ पर जाना चाहिए इज्जत के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, और अपने मौके को वहाँ पर बयान भी करना चाहिए। अमेरिका के मिनेसोटा में स्कूल बस में आग लगने का नाटकी वीडियो, हाईवे पर दौड़ती नजर आई धू कर जलती बस, आग के साथ दमकल गाड़ी की तरफ दौड़ रही थी बस, बस में नहीं था कोई बच्चा सवार, बस से कूदने में कामयाब रहा ड्राइवर।